एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छी होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग इसलिए बोला है क्योंकि अभी बज रहा है 12 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं मिट्टी को लेने जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, बिकॉज मेरा ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाता है ना, तो मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और वहाँ से आने के बाद में मुझे गाजर का हलवा बनाना है और पराठे मैंने मॉर्निंग में बना दिए थे, बाकी बना के खिला दूँगी। तैयारियाँ मैंने कल ही कर ली थी और ये सारी चीज़ें मैंने कल ही कर ली थी, और बस ये है कि मैं रेडी हो रही थी। मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लीजिए। ब्लॉग स्टार्ट करते करते टाइम हो गया, 12 बज गया। पता है मॉर्निंग में तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है ब्लॉग स्टार्ट करने का, बिल्कुल नहीं मिलता है। और कल था रोज़ डे, वैसे किसी तरह से भी ये सारे डे वे मानती नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि शादी के पहले मानती थी, अब नहीं मानती। शादी के पहले भी मैंने कभी नहीं माने और ना ही शादी के बाद मान रही हूँ। बस ये है कि ना खुश करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए मिट्टी के डंडे मेरे लिए ये ले आए थे, रोज़ के लिए कहते हैं रोज़, तो ये लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो अब ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ रोज़ डे पर ही दिया जाए, इसको कभी भी दे सकते हैं। अगर अपनी वाइफ लोगों को खुश रखना है तो कभी भी दे दो और खुश। बस हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, वैसे भी सच में यह हम लोगों का होता है, सारी गर्ल्स का होता है, सारी लेडीज़ों का होता है, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग खुश हो जाते हैं। तो बस ये देखो मेरा रोज़, इसकी स्मेल ना इतनी अच्छी आ रही है। इसमें परफ्यूम तो वो लोग ऐड करते हैं, आई नो, बस परफ्यूम जो है वो परफ्यूम ऐसा ऐड किया है कि क्या बताऊँ, अच्छा लग रहा है। तो मैं रेडी हो रही थी, मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। बाकी मुझे गाजर का हलवा और सारी चीज़ें तैयारी करनी है, और आज जो देखती हूँ ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो आज पता नहीं कौन सा डे है, आई थिंक आज, कल रोज़ डे था तो आज प्रपोज डे है आई थिंक, क्योंकि एक लिस्ट होती है ना, उसमें देखा है मैंने। कॉम वगैरह करना है, बाकी क्लोथ मैंने पहन लिया, जीन्स वेयर कर ली है। बस ये है कि हेयर देखो मेरे कैसे वर्क हैं, हेयर मुझे बनाने हैं सिर्फ बस, क्योंकि मेरे हेयर ना रुकते नहीं हैं, इसमें बन नहीं रुकता है, बस ये प्रॉब्लम है। और हाँ, मेरी अभी एक पार्सल आया है, पाया है, पार्सल होंगी कि मिट्टी भी खोले ही आते हैं ना, क्योंकि पार्सल कोई भी आता है मेरे यहाँ सिर्फ मिट्टी को ओपन करना होता है, बोलती है मैं ओपन करूँगी, तो वही ओपन कर दिया। तो चलो मिट्टी को लेके आते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं आप लोगों से, ओके। और क्योंकि पार्सल वही ओपन करूँगी, मेरे से नहीं होता है, मैं करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती है, इसलिए चलो उसका वेट करते हैं। ब्लॉग का कंटिन्यू बने रहिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो ये यहाँ पर मैंने बनाए थे गोभी के पराठे, तो गोभी के पराठे के लिए मैंने ये सुबह एक भी तैयारियाँ कर ली थी, तो सुबह सुबह का है ये, बाद में मैंने क्लिप ऐड कर दी है। तो यहाँ पे गोभी को मैंने अच्छे से ग्रेट करने के बाद में सारी चीज़ें से मिक्स कर दी थी, अदरक, हींग, सॉल्ट वगैरह सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें ऐड कर दी जाती हूँ, सारी चीज़ें धनिया वनिया सब कुछ ऐड कर दी थी। धनिया चटनी के साथ में जा रही हूँ, पराठे खाती हूँ, क्योंकि ये तो मैं खा रही हूँ अपने लिए, और इन लोगों को खिला के मैंने सुबह ही भेज दिया था, और ये लोग खा के चले गए थे। और उसके बाद में मिट्टी को मैं लेके आ गई थी, और मिट्टी को जैसे ही मैं लेके आई हूँ वैसे ही उसने कहा पार्सल देखा, और तुरंत कहती है कि मुझे अब पार्सल ओपन करना है। उसको पार्सल ओपन करने में बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा, हमेशा वो खोलने के लिए हमेशा आगे रहती है, तो ये वही खोल रही है। और यहाँ पर मैंने मंगाए थे बहुत ही ब्यूटीफुल अपने इयर रिंग्स, जो कि अभी आप देखिएगा। और जी गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे तो सच में बहुत अच्छे लगे, बिकॉज़ ये मेरी साड़ी से मैच होते हुए हैं, इसीलिए मैंने ये वाला कलर मंगाया था, रानी कलर है ये, और रानी कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगता है रानी कलर। सो यहाँ पे ये देखिए मिट्टी ने ही निकाला है, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे इसका जो प्राइस पड़ा था वो मिला है, चलिए इसके बारे में मैं सोच रही हूँ एक छोटी सी वीडियो बना दूँगी, शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं। देन उसके बाद में थोड़ी देर बाद फिर से ये आ गया था मुझे करीब, ये वाला पार्सल आया, तो ये भी मिट्टी नहीं खोला। ये मिट्टी का टॉप है, और ये टॉप मुझे मिला था 164 रुपीज़ का, और ये टॉप जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये टॉप। तो ये देखिए, ये स्मॉल इसमें एस लिखा हुआ है, तो कह रही है मेरा नेम एस से स्टार्ट होता है, तो ये मुझे मेरे लिए आया है, कहती है मेरा नेम इसमें लिखा हुआ है, मेरा नेम ऐसे स्टार्ट होता है तो मेरे लिए। तो साइड में पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ये टॉप बहुत ही अच्छा है, इसको मैं जल्दी पहनाने वाली हूँ, क्योंकि विंटर्स चले गए हैं ना, तो इस तरह का ठीक रहेगा, अंदर थर्मल वगैरह पहना के, और सिर्फ ये पहना दो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। सो यहाँ पर अब बनाने जा रही थी मैं दोपहर में, मुझे कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं था, क्योंकि मैंने लंच में, ब्रेकफास्ट में आपने देखा था बहुत हैवी हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं सूप ही बना लेती हूँ, क्योंकि कॉर्न रखे हुए थे ख़राब हो जाते, क्योंकि ये फ्रोजन कॉर्न ख़राब जल्दी हो जाते हैं, इसलिए अगर एक बार पैकेट ओपन होती है तो जल्दी से जल्दी इनको यूज़ करना होता है 2 से 3 दिन के अंदर। सो यहाँ पे बीन्स तो मैंने नहीं यूज़ किए हैं, यहाँ पे कैरेट और
अपने मटर डाल दिए हैं थोड़े से। और मेरा ये ऑल टाइम फेवरेट सूप है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने शुगर डाली है, थोड़ी सी डाली है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी, आपने देखी थी यहाँ पर। और क्योंकि ये स्वीट कॉर्न सूप बना रही हूँ मैं इसीलिए, और यहाँ पे डाल दिया मैंने थोड़ा सा सॉल्ट। एंड बस इसमें मैंने ना आरा रोट का यूज़ नहीं किया, बिकॉज मुझे ही पीना था। अब कौन सा मैं सभी को पिलाने जा रही हूँ, काली मिर्च डाल दी थी। तो ये सूप मेरा रेडी हो गया, जो कि मुझे बहुत ही टेस्ट लगा। आरा रोट डालने से ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। अब मुझे ही पीना था तो मैंने आरा रोट यूज़ नहीं किया, जितना हो सका मैंने अपने वेजिटेबल्स यूज़ की हैं और ये सारी चीज़ें, और मिट्टी को मैंने थोड़ा सा पिला दिया था। और ये बना रही हूँ यहाँ पे गाजर का हलवा। और मैं बट एक चीज़ मिस हो गया मेरे से गाइस, क्योंकि मैंने सारी क्लिप्स ले ली, बट जल्दी जल्दी में ना मुझे जाना था, तो मुझे वहाँ निकलना था। तो बनाने के बाद में मैं कैसा बना कैसा नहीं मैंने खा लिया, हम लोगों ने खा के ख़त्म भी कर दिया, और इसकी क्लिप ही नहीं ले पाई मैं, क्योंकि मैंने थोड़ा बनाया था और मुझे तुरंत निकलना था, मम्मी के घर जाना था, घर नहीं जाना था, मम्मी के घर की साइड जाना था मुझे। तो रेडी होकर मैं यहीं से जाऊँगी, साथ में मम्मी लोगों को पिक करूँगी वहाँ से। तो यहाँ पर ये इलायची डाल दी है मैंने, थोड़ा सा बना लिया था, मैंने पैक कर लिया था, खा लिया था, तो इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहा मुझे जाना है। तो ये अर्जेंट में हम लोग निकले थे, और बनाने के बाद मैं बिल्कुल माइंड से मेरे उतर गया, जल्दी जल्दी में मैं रेडी हुई। रेडी हो के मैंने बनाया इसको, क्योंकि गाजर का हलवा एक बार गैस में चढ़ा दो तो पकता रहता है। तो मैं रेडी होती जा रही थी, उसको देखती जा रही थी, यहाँ पर मम्मी लोग भी रेडी थी, वहाँ से मम्मी लोग हम लोगों ने पिक किया और फिर यहाँ से निकल लिया था। मैं हूँ, मेरी मम्मी है, अमिठी है, और ये हैं, और मेरा मेरे से छोटा वाला जो भाई है वो है। तो ये यहाँ पर मिट्टी को मैं दिखा रही थी बाहर, पता नहीं क्या दिखा रही थी, मुझे खुद नहीं आया ध्यान है क्या दिखा रही थी मैं, बट यहाँ, हाँ यहाँ पे मम्मी हाय कर रही है और मिट्टी मम्मी के बीच में बैठी। वैसे उसको हमेशा विंडो में बैठना होता है, बट आज वो मम्मी बैठी है ना, तो मम्मी के साथ में वो बीच में ही बैठी है। यहाँ पे मैंने जैकेट डाल ली थी, वैसे इतनी ठंड नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने अंदर थर्मल वगैरह कुछ नहीं पहना था, इसलिए मैंने ऊपर से वेयर कर लिया। कि अब ये आ गया है यहाँ से शुक्लागंज का पुल, गंगा जी का, गंगा जी के ऊपर है। पहले एक पुराने पुल बने हुए थे, तो उससे भी मैंने पहले शेयर किया है, बट ये न्यू पुल है, इससे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई भी छोटा बच्चा होता है तो अगर गंगा जी का पार करते हुए निकलते हैं तो बीच में ये जो सिक्का है वो उतार के डालते हैं। ये बहुत पुराने से मैं देखती आ रहा हूँ, जब हम लोग छोटे थे तो मेरी दादी भी ये सब किया करती थी, ये करती थी सेम। और ये देखो हम लोगों ने, यहाँ मम्मी ने जो सिक्का निकाला, मम्मी ने उतारा, फिर उसके बाद में इन्होंने निकाला, इन्होंने उतारा, इन्होंने भी डाल दिया, और ये यहाँ पर अब ये गंगा जी में डाला जाता है। तो ये देखिए सिक्के चले गए हैं दोनों। और ये होता है जब हम लोग छोटे थे ना, मैं भी देखती आ रही हूँ, मैं, मेरे से भाई छोटा वाला, फिर जो छोटा वाला, मतलब हम लोग तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। मिट्टी के पहले की बात कर रही हूँ, जब मिट्टी नहीं थी, अभी शादी के बाद की बात कर रही हूँ, जब निकलते थे मम्मी हम लोग बस अभी भी डाल देती थी। तो अभी मिट्टी हो गई है ना, घर में छोटा बेबी हो गया हो जाता है, तो ये होता है छोटे बच्चों को उतार देते हैं। तो ये होता, अभी भी अगर मम्मी लोग सिर्फ जा रही होती हैं, पापा मम्मी लोग और मेरे छोटा वाला भाई, जो सबसे छोटा वाला भाई जा रहे होते हैं, तो मम्मी उसका भी उतार के डाल देती हैं। ये होता है, मतलब करते हैं, ये होता है। अब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इतना होता है कि हाँ डाला जाता है। सो चलिए हम लोग चलते हैं, और कहीं जाना था बट उसके बाद में अर्जेंट गए थे, थोड़ी देर रुके थे, फिर उसके बाद घर भी आ गए थे, क्योंकि मुझे शाम को ही घर भी वापस आना था, बिकॉज नेक्स्ट डे मिट्टी का स्कूल भी है। ये देखो रात का नज़ारा टेरेस का, वो देखो पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं कितनी सारी ना, यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक जा रही हैं, यहाँ पूरी दूर दूर तक, पूरी दूर का नज़ारा। देखो खेलते खेलते, ये देखो क्या है जेनी, चलें चलो नीचे चलो, अभी टाइम हो गया है, बज रहे हैं 7:30 और मिट्टी वाली जा रहे हैं, थोड़ी देर में दूध देती हूँ, फिर उसको खाना खिला के उसको सुला दूंगी, क्योंकि ये तो आते हैं लेट से, तो हम लोग खाना लेट से होता है, बट इनको मैं खिला के जल्दी सुला देती हूँ, है ना, है ना। चलो नीचे मिट्ठू, चलो बेटा नहीं चलना है, चलो अच्छा तुम भी उधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, उधर आओ नीचे, चलो नीचे जा नहीं है, इस साइड देखो येलो येलो आ रहा है ना, इस साइड में, इसलिए वो वाली लाइट ठीक रहती है, येलो येलो में ना थोड़ा कम दिखाई देता है। चलते हैं नीचे, चलो जेनी चलना है नीचे, चलना है जेनी का मन में नहीं हो रहा जाने, नहीं वो वाला कौन सा सॉन्ग सुनाती हो, डांस करती हो, मैंने मैंने पायल सुनाओ तो करके दिखा दो मुझे एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार करके दिखा दो, नहीं दिखाओगी, वन ओनली वन टाइम, देखो जेनी दिखाएगी मुझे करके। तो मुझे ब्लॉग करना था एंड, तो मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं,
और क्योंकि हवा चल नहीं रही है, वेदर अच्छा हो रहा है, मतलब ठंडा भी नहीं हो रहा है, गर्म भी नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है, छत पर ठंडी नहीं लग रही है। तो ब्लॉग का करना था एंड, मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। वो ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ कभी मिस नहीं कर पाए। तो आज रात में मैं ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, कि रात ब्लॉग का एंड मैं कभी नहीं कर पाती हूँ जल्दी, हमेशा ब्लॉग बनता रहता है ऐसे ही एंड हो जाता है, एंड नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने ब्लॉग का एंड किया डायरेक्ट, नीचे चलो, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, आओ चलो 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 उधर चलो, उस साइड चलो चलो चलो, नीचे नहीं जाने दूंगी, नहीं चलो चले नीचे आओ, अभी टाइम हो गया, टीवी ऑन करके आई हो, टीवी ये टीवी टीवी, मैं जा रही हूँ नीचे, इनको बस सारा दिन छत पे ही छोड़ दो, सारा दिन मज़ा आती है, नीचे जाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आती है। ये सारे कारनामे करवा लो इनसे। ये इतना नहीं, देखो गला बैठ गया, बेबी ये खांसी आ रही, इतना खांसी की वजह से इसका गला बैठ गया। चलो नीचे चले चले जाने चले, आ जाओ चलते हैं, आ जाओ मैं जा रही हूँ, देखो मेरे जाने का नाम से ये पहले वेट, आ जाओ चले, सारे डांस स्टेप देखो यहीं हो जाएंगे इनके, चलो देखो देखो कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है, तो डर भी नहीं लगता है ऐसे करने में, बच्चों को लगता भी नहीं आती, हम लोगों को भी पता है, हम लोग भी छोटे में पता नहीं कहाँ कहाँ से कम से दिवाली पार ही जाते थे, अब डर लगता है, पता नहीं क्यों, छोटे में नहीं लगता था, बिल्कुल पता नहीं कहाँ कहाँ से कूद जाते थे ऊपर से हम लोग, आ चले अब पूरा थक जाएगी, नीचे खाना खा के सीधे सो ही जाएगी, चले चलो तुम्हारा पेपा पिक चल रहा है, आ जाओ पेपा पिक चलो, हाँ हाँ ठीक है आओ, आज धूप बहुत अच्छी निकली थी, सुबह तो ठंड थी बट दोपहर में ठंड धूप निकल आई थी अच्छी खासी, सुबह हम लोग जा रहे हैं नीचे, ठीक है क्योंकि जेनी कब से वेट कर रही है नीचे जाने के लिए, कैसे वो देखो कैसे बैठी हुई नीचे जाने के लिए, मैं जा रही हूँ नीचे, चलिए गाइस ब्लॉग को करती हूं, मिलती हूं नेक्स्ट ब्लॉग में, सुबह बाय गाइस। गिरते गिरते बची हो, गिरते गिरते ना, तभी कहते हैं आराम से, फिर देखो गिरोगी, फिर स्टेप सारे मार रही हो स्टेयर्स पर, गिरते गिरते बची हो, बहुत जोर लगती है अभी।